हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद स्टडी में आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के एक जो उसमें कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में डिटेल से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन देखिए कारा एक कदम आगे या दो कदम पीछे। समूह के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ प्रयोग का दौर खत्म नहीं हो रहा है। एक साल बाद खाली पदों पर भर्ती की कार्रवाई बढ़ने की स्थिति बनी तो आयोग के अफसरों को इधर से उधर करने का खेल शुरू हो गया है। एक बार फिर लंबित भर्ती प्रक्रिया की और अटकने के साथ ही नई की तैयारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। योगी सरकार ने आते ही सपा राज में गठित आयोग द्वारा भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। 10 महीने बाद जनवरी 2018 में रिटायर्ड आईएएस अफसर सीबी पालीवाल को आयोग का चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाने की पहल हुई, मगर पालीवाल ने दिसंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कार्यवाहक चेयरमैन अरुण सिन्हा ने कई पदों पर भर्ती की कार्रवाई को आगे बढ़ाई। दिसंबर 2019 में नियमित चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार की तैनाती की गई। तब आयोग के पास करीब 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव लंबित थे। कुमार ने आते ही मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। फिर इसकी मंजूरी के इंतजार में कोई नई भर्ती नहीं निकाली। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव के मंजूरी देने में 9 महीने लगा दिए। नतीजन बीते एक वर्ष में कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। अब भर्ती कार्रवाई में तब तेज़ी की उम्मीद की जा रही थी तो अड़चने आनी शुरू हो गई और लखनऊ के एसटीएम को बना दिया कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। शासन ने कुछ महीने पहले तैनात किए गए आयोग परीक्षा नियंत्रक का गुपचुप तरीके से तबादला कर दिया। 3 वर्ष के भीतर 3 परीक्षक नियंत्रक की तैनाती की जा चुकी है। दूसरी ओर ऐसे परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की गई जिसका पहले से ही कार्यभार ग्रहण करना मुश्किल माना जा रहा था। उसने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसका असर यह हुआ कि 26 नवंबर को आयोग की बैठक में परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति के चलते नई भर्ती को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। शनिवार तक नए परीक्षा नियंत्रक के नहीं आने से 1 दिसंबर के प्रस्तावित इंटरव्यू और दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम स्थगित होने की नौबत आने वाली थी, मगर शासन ने शनिवार को आनन फानन में राजधानी लखनऊ जैसे बेहद संवेदनशील जिले की अपर जिलाधिकारी विपिन कुमार मिश्र को कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार सौंप कर जिम्मेदारी पूरी कर ली। इससे अंदाजा लगा सकता है कि शासन की नज़र में आयोग की क्या महत्ता है। आयोग के अफसरों को लॉकडाउन में बना दिया गया नोडल अधिकारी। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में जब अन्य भर्ती आयोग अपनी रुकी हुई भर्तियों को आगे बढ़ाने में लगे थे, शासन ने यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों को बतौर नोडल अधिकारी जिले में संक्रमण रोकने के लिए भेज दिया था। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक व सचिव को अलग अलग 3-3 सप्ताह के लिए भेजा गया। नतीजन आयोग की गतिविधियों में दो माह तक लगभग ठप रही। उप सचिव मातृत्व अवकाश पर रजिस्ट्रार उफ को अतिरिक्त प्रभार। आयोग में उप सचिव पद पर भी काफ़ी दिनों से उधार के भरोसे चल रहा है। शासन से नियुक्त नियमित रूप से सचिव पहले मातृत्व अवकाश पर गई, इसके बाद वह बाल देखभाल अवकाश पर चली गई। इनकी जगह रजिस्ट्रार वक्फ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया जो आधा समय आयोग में दे रही है। आयोग अपने पदों पर नहीं कर रहा भर्ती। 86 में 56 पद खाली। आयोग में 2 अनुसचिव में से 1, 14 अनुभाग अधिकारी में से 13 पद खाली हैं। 41 प्रवर वर्ग सहायक में से 20 ही कार्यरत हैं। अवर वर्ग सहायक 19 में से 11 पद खाली हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के सभी 10 पद खाली हैं, मगर आयोग अपने ही खाली पदों पर भर्ती नहीं कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सेवा नियमावली में शिथिलता का प्रस्ताव शासन में अटका है, जिससे न तो पदोन्नति हो पा रही है और न ही रिक्त पदों पर भर्ती। हालांकि शासन आयोग का काम चलाने के लिए 15 रिटायर्ड कर्मियों को 6-6 माह के लिए नियुक्ति की अनुमति जरूर देता है। उनकी तैनाती 30 नवंबर को खत्म हो रही है। इसकी पुनर्नियुक्तियों की सेवा वृद्धि का प्रस्ताव शासन की अनुमति का इंतजार है।